केजरीवाल जी आज जेल में हैं, आपकी कोई राय है उस पर? क्या जेल से सरकार चलाना जैसा वो चाह रहे हैं, क्या संभव है? देखिए, ऐसा है, ये अपना एक मोरालिटी ग्राउंड होता है, हर लीडर की अपनी एक मॉरल अथॉरिटी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये निर्णय उनको लेना है, उनको जेल से चलाना है नहीं चलाना है, एक लीडर के रूप में हमारी अपनी क्या सोच है, हमारा जनता के बीच में क्या परसेप्शन है, ये हमने तय करना होता है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि आज ही मैं देख रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका पर सुनवाई में कोई प्रेफरेंस नहीं मिली, हाईकोर्ट से रिजेक्ट हो गया। हाईकोर्ट से रिजेक्ट हुआ, वो चाहते थे सुप्रीम कोर्ट तुरंत सुने, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई हम विशेष ट्रीटमेंट नहीं देंगे। तो मुझे लगता है कि अभी कोर्ट से आगे कहानी कहाँ पहुंचेगी, लेट्स सी, वेट एंड वॉच। ओके, नहीं, दिल्ली में रहती है ना आप, क्योंकि दिल्ली में तो घर है, मंत्री के तौर पर आपको दिल्ली में समय बिताना होता है, मंत्रालय जाना होता है, संसद जाना होता है, और दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है। और ऐसा नहीं है कि केजरीवाल जी की सरकार बहुत छोटे मोटे बहुमत से आई है, एक बार नहीं कई बार आई है, और एमसीडी पर भी अब उन्होंने जीत हासिल की है। तो उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी पर, उसके उभार पर आपका कोई असेसमेंट है? नहीं, देखिए, पार्टी ने अपना जनाधार खड़ा किया है, पार्टी बढ़ी है, पंजाब, दिल्ली से निकल के पंजाब गई, गुजरात में भी चुनाव लड़ने गए, गोवा में भी गए, तो एक पार्टी ने लोगों का विश्वास जीता, इसलिए उसका जनाधार बढ़ा। लेकिन अब ये जो नए मामले निकल के आ रहे हैं, इनकी हकीकत तो अब कोर्ट ही उसको तय करेगी, उसमें कितना दम है। जब संसद खत्म हुई अभी, तब आपका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें आप सुप्रिया सुले के साथ थी, उनके साथ आप गले में हाथ डालकर बाहर आई, मीडिया से आपने बात भी की, आपने कहा राजनीतिक सब अपनी अलग बातें हैं, लेकिन आपकी उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है। कैसे हुई सुप्रिया जी से दोस्ती? नहीं, मेरी तो, मैं कहती हूँ कि मैं एक ऐसी व्यक्ति हूँ, उसकी दुश्मनी तो किसी से नहीं है। हमारे लोकसभा के अंदर 543 सांसद है, तो शत्रुता तो किसी से नहीं है, कटुता भी किसी के प्रति नहीं है, और कुछ लोग होते हैं जिनसे आपकी मित्रता होती है, तो वो मेरी मित्र है, मैं आपके चैनल पे कह रही हूँ। और एक पार्लियामेंटेरियन के तौर पे मैं कहूँ तो सीनियर के रूप में भी है, तो कुछ अच्छे पार्लियामेंटेरियंस में उनकी गिनती होती है, अच्छे पार्लियामेंटेरियन से आप कुछ सीखते भी हो। तो सुप्रिया जी ने क्या सिखाया आपको? नहीं, आप देखिए, ऐसा है कि हर व्यक्ति आपको कुछ ना कुछ जीवन में सिखा के जाता है, अब आपके ऊपर है आप क्या सीखना चाहते हैं। उनकी पार्टी टूट गई, आपसे उन्होंने कभी शेयर किया ऐसा कि बताओ देखो अजीत दादा ने क्या कर दिया? पार्टी टूटना बनना ये मेरा विषय नहीं है, उनके पार्टी को संभाल के रखना उनका दायित्व है, इस पर तो मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। राइट, ओके।